साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे हमारे कुछ व्यूअर्स ने मैसेज और कमेंट किया है, प्लस कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी मैसेज किया है, कुछ इंस्टाग्राम पे, कुछ व्हाट्सएप पे। उनका कहना यह है कि यहां पे जो बिहार LRC का जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसको लेकर एक वेबसाइट बनाया गया था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसमें एक आर्टिकल दिया गया है कि आपका अमीन का कट ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट और रिज़ल्ट वगैरह का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो इसके अलावा आपका एक 300 समथिंग पेज का एक PDF भी जो है वायरल किया जा रहा था, जिसमें बताया गया है कि बिहार अमीन जो स्पेशल कलर अमीन का एग्ज़ाम लिया गया 8200 प्लस पोस्ट के लिए, तो उसका रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया। बट ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है ना। तो ये बस अफवाह फैलाए जा रहे हैं एक तरीके से कि आपका रिज़ल्ट आ गया, बट रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। रिज़ल्ट जब भी आपका आएगा तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, और अपडेट मैं आपको दूंगा जब रिज़ल्ट आएगा तो, ठीक है। चलिए, मैं इस ऐप, ये जो वेबसाइट इनका दिया गया है, इसमें मैं खोल कर दिखाता हूँ कि किस तरीके का मतलब काम किया जा रहा है, कि बहुत पहले ही बताया जा रहा है कि आपका रिज़ल्ट आ गया। चलो ठीक है, आप एक्सपेक्टेड बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो मत कहो ना कि आपका रिज़ल्ट आउट हो गया है, लिंक इस तरीके का कोई लिंक ही अवेलेबल नहीं है। आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूँगा, लेकिन ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं है। प्लस कई सारे ग्रुप्स में PDF शेयर किए जा रहे हैं 300 पेजेस का, कितने लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि वो भी गलत है, है ना, वो भी आपका गलत है। इस तरीके के कई सारे मेरे पास मतलब स्क्रीनशॉट जो है आ रहे हैं जिसको लेकर, तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी रिज़ल्ट आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। अनदर वेबसाइट पर विज़िट करने से अच्छा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से बने रहिए, या फिर आप हमारे चैनल से बने रहिए। डेफिनेटली आपको मैं ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। और मैं वीडियोस में पहले ही बोल देता हूं कि आपको जो है एक्सपेक्टेड डेट दूंगा।